दिल्ली में कोरोना के नए आंकड़े 12,000 के पार, तीसरी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें। राजधानी में कोविड-19 के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियों में फिलहाल नहीं मिलेगी ढील। पंजाबी बाग में बने भारत दर्शन पार्क में निगम पार्षदों के परिवारों की एंट्री फ्री, लेकिन जनता को करनी होगी अपनी जेब ढीली। डीयू ने निकाली प्रोफेसर के पदों के लिए भर्तियां, भगवान का मंदिर भी नहीं है सुरक्षित, जानिए कहां चोरी हुई भगवान की मुकुट। और वैलेंटाइन डे के दिन गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए आशिक बना चोर, जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 57,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद 12,306 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट 21.48% है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में नए मामले भी कम हुए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी नीचे आया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 43 मरीजों की मौत हुई है, जो तीसरी लहर में दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। दिल्ली में 10 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौत रिपोर्ट हुई है। वहीं 18,815 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ी है। देश भर में गुरुवार को पिछले 24 घंटों के दौरान 317,532 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना के आंकड़ों में हो रही बढ़ोतरी ने दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भी चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि दिल्ली में फिलहाल जारी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां खत्म नहीं होंगी और आगे भी इसमें ढील नहीं दी जाएगी। इसका इशारा खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री दे चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि शहर में कोविड पॉजिटिविटी रेट अभी इतनी कम नहीं हुई है कि पाबंदियां हटाई जा सके। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण पर रोक लगाने के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं। इनमें नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू समेत कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली में कोविड के पीक गुजर चुकी है, लेकिन स्थिति अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। और इवन को लेकर व्यापारियों के विरोध के बारे में पूछे जाने पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि अभी हम 3-4 दिन बाद तक हालात की समीक्षा करेंगे, इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट का पूरा स्टाफ वैक्सीनेटेड हो गया है। जिला प्रशासन ने सभी एसोसिएशनों को वैक्सीनेटेड होने का सर्टिफिकेट भी जारी किया है। मार्केट एसोसिएशन के सभी कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। सरोजनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने बताया कि सर्टिफिकेट जारी करने से पहले जिला प्रशासन ने इन सभी बाजार के प्रमुखों से उनके पूरे स्टाफ के टीकाकरण के प्रमाण पत्र और अंडरटेकिंग ली। साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि आगे स्टाफ में शामिल होने वाले सभी नए लोगों को भी वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि अब मार्केट ऑड इवन की जगह पर हर रोज खुलनी चाहिए, वीकेंड कर्फ्यू भी खत्म होना चाहिए। उनका कहना है कि ऑड इवन मार्केट खुलने से काफी नुकसान हो रहा है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से पंजाबी बाग में बनाए गए भारत दर्शन पार्क की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहाँ पर एंट्री के लिए आम लोगों से 100 रुपये से 160 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मंगलवार को निगम की ओर से जारी की गई घोषणा का विरोध शुरू हो गया है। स्थायी समिति के अध्यक्ष कर्नल बीके ओब्रॉय ने घोषणा की कि भारत दर्शन पार्क में जाने के लिए निगम पार्षदों के परिवारों को कोई भी एंट्री फीस नहीं देना पड़ेगा। निगम की इस घोषणा के बाद आम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि छूट मिले तो सबको मिले, अगर नहीं मिले तो किसी को भी ना मिले। दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। आम लोगों के लिए शुल्क भी बहुत ज्यादा रखा गया है। 100 रुपये से लेकर 160 रुपये का फीस गरीब व्यक्ति वहन नहीं कर सकता। ऐसे में सभी के लिए निःशुल्क एंट्री किया जाए। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना के तहत सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं के छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में इस बार शिक्षा निदेशालय को 10,000 से अधिक छात्रों के नाम मिले हैं। शिक्षा निदेशालय ने संबंध में नोटिस के जरिए निर्देश जारी किया है कि सेशन 2020-21 के लिए सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों से एससी, एसटी व ओबीसी श्रेणी के 10,126 छात्रों के नाम प्राप्त हुए हैं। सभी छात्रों की सूची जारी कर दी गई है। निदेशालय ने इस संबंध में स्कूलों के प्रिंसिपल को निर्देश दिया है कि वो एक बार सूची में शामिल छात्रों के आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की जांच कर ले। अगर कोई छात्र इस सूची में एलिजिबल नहीं है तो प्रिंसिपल को इसकी सूचना निदेशालय को देनी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अलग अलग विभागों में नियुक्ति के लिए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 635 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से प्रोफेसर के 186 और एसोसिएट प्रोफेसर के 449 पद भरे जाएंगे। ये पद 45 अलग अलग विषयों के प्रोफेसर के हैं। वे कैंडिडेट्स जो इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हों, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये भी याद रहे कि इन पदों के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन 18 जनवरी से शुरू हो गए हैं और आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 फरवरी 2022 है। डीयू के इन पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट के पास PhD की डिग्री हो। बाकी जानकारी आप वेबसाइट से ले सकते हैं।
दिल्ली में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि अब मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला दक्षिण पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके का है, जहां बेखौफ चोरों ने रघुनाथ मंदिर में भगवान के छोटे और बड़े 11 मुकुट चोरी कर लिए और आसानी से फरार भी हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। बुधवार रात चोर मंदिर परिसर में दाखिल हुए और 11 से ज्यादा दरवाजों की कुंडियां तोड़कर मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद भगवान के 11 चांदी के मुकुट चोरी कर लिए। चोरों ने मंदिर के गुल्लक को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वे कामयाब नहीं हो सके। चोरी किए गए मुकुटों की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल के कैदी के पेट से एक ऐसी चीज निकली जिसका खुलासा जीबी पंत अस्पताल में ऑपरेशन करके हुआ। जेल में कुछ दिनों पहले कैदी ने फोन निगल लिया था। फोन निगलने के कुछ दिन बाद उसके पेट में असहनीय दर्द होने लगा। बाद में जेल प्रशासन ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। जीबी पंत अस्पताल में जब कैदी का एक्सरे किया गया और उसकी रिपोर्ट सामने आई तो अस्पताल के सभी डॉक्टर चौंक गए। एक्सरे में कैदी के पेट में मोबाइल फोन के होने की बात सामने आई। इसके बाद डॉक्टरों ने कैदी के पेट का ऑपरेशन करके उसके पेट से फोन बाहर निकाल लिया, लेकिन जब तक ये साफ नहीं हुआ कि उसके पास फोन कैसे पहुंचा। दिल्ली में एक शख्स ने गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए चोरी की घटना को ही अंजाम दे दिया। लाहौरी गेट थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने क्राइम से जुड़े टीवी सीरियल्स देख चोरी करने का तरीका सीखा। इसके बाद उसने घर में घुसकर चोरी की। लाहौरी गेट थाना पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल कर आरोपी मोहम्मद जैद को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो फरवरी में वैलेंटाइन डे के दिन अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी की नकदी और अन्य सामान बरामद कर लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश और फिर ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी का सितम कायम है। बादल छाए रहने के कारण सर्द दिन देखने को मिल रहे हैं। 21 जनवरी से रोज अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं भी चलती रहेंगी। वहीं 22 जनवरी को शीतलहर का अनुमान है। शीतलहर की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ऐसे में ठंड ज्यादा महसूस होगी। 23 जनवरी को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। हल्के बादल बने रहने के साथ ही बूंदाबांदी होने का भी अनुमान है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।